आधा माधव। बाप जी की आज्ञा व आशीर्वाद से नारायणपुर के सरकारी ठेकों की नीलामी शुरू की जाती है। ठेका साइकिल स्टैंड का, जिसका सरकारी दाम कम से कम 25,000 रुपया मुकर्रर हुआ है, आमो खास से दरखास्त है कि बोली लगाए। 26,000 26,001 26,002 26,003 खास से दरखास्त है कि बढ़ कर बोली लगाए। 6 लाख 6 लाख 1 6 लाख 2 6 लाख 8 लाख। तूने नीलामी में बोली लगाने की इजाजत बाप जी से ली है? अरे पाप होगा तेरा, मैं क्यों उससे इजाजत लूं? ये तो सरकारी नीलामी है। बिट्ठा, भीमा, इतनी हिम्मत? ये मेरा ही आदमी है। हा? इसे मैंने ही पैरोल पर छुड़वाया है। आपने? मगर क्यों? पूरे इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दिलों में मेरे खिलाफ बगावत भर कर आए हैं, मगर इस कायदी की मौत के बाद बगावत की जगह इनके दिलों में डर भर जाएगा। नंबर 340 का कत्ल महर्षि ने करवाया था सारे शहर के सामने, लेकिन गवाही कोई नहीं देगा। अगर इस केस को लेकर तुम अदालत तक पहुंच सकते हो तो मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं। तुम सोच लो, मैं तुम्हें बाद में फिर फोन करूंगा। बाप जी, आपने यहाँ पर आकर यह साबित कर दिया है कि आपके आस्तीन पर 340 का खून है और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह मेरे पास मौजूद है बाप जी, जो आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा, इसलिए कल आपके हाथों में हथकड़ी होगी। भूरे, चंदन, कालू, मोहन, आओ सबके सब। जाओ और जाकर नरसिम्हा को ढूंढ कर लाओ। पूरा शहर छान मारो। कल सुबह तक मुझे नरसिम्हा यहाँ चाहिए। बाप जी ने नरसिम्हा को ड्यूटी पे बुलवाया है। नरसिम्हा! इसी वक्त मरना था, क्या हुआ इसको? ये नशे में धुत है बाप जी। तो पानी डालो और खटाई चटाओ इसे। क्यों बुलाया था मुझे? परसों एक आदमी मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला है। तो इसके लिए मेरा नशा खराब करने की क्या जरूरत थी? आपने लठैत भेज कर उसका सिर फोड़ डाल दे। इतना आसान होता तो तुझे क्यों बुलाता? ठीक है, आता पता क्या है? कुछ नहीं जानता। कोई सुराग? भाजी गली पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर रस्तोगी है ना, वो उस आदमी की गवाही पर मुझ पे मुकदमा दायर करने वाला है। ठीक है, काम हो जाएगा। जय राधा माधव। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये वो आदमी नहीं है। उस कैदी को तो हमने अपनी आंखों से उस नीलामी में कत्ल होते देखा था। तो फिर ये जरूर बाप जी की कोई चाल है। ठीक है, तुम जाओ, मैं इससे सच्चाई उगलवाता हूं। विनोद रस्तोगी का बेटा रवि रस्तोगी, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है, बंबई शहर से पढ़ाई छोड़कर नारायणपुर आ चुका है और उसने हमारे दिल्ली कॉलेज में दाखिला भी ले लिया है बाप जी, मगर उससे हमें कोई खतरा नहीं है। नजर रखो। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, आओ ना हाथ मिलाओ ना, ओ बेबी आओ ना बात सुनो, हमसे तुम दोस्ती कर लो, कर लो। पिताजी, मैं अनिल सक्सेना के बच्चे की मां बनने वाली, लेकिन वो मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हैं, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। आपकी सीमा। क्या बदतमीजी है ये? किसे भेजा तुम्हें? चपरासी, चपरासी, क्या बात है भाई? तुझे शादी का न्योता देने आया हूं। किस हरामजादे की शादी का कार्ड है ये? पढ़कर तो देख। अनिल, ये तो मेरा नाम है। क्या मजाक है? मजाक तो वो था जो तू कर रहा था। अब तो शादी होगी, और अगर तू सही दिन सोमवार सही वक्त पर 10 बजे सही जगह नहीं पहुंचा, श्री मंदिर घंटा घर के सामने, तो याद रखना हमारे यहाँ दूल्हे को उठाकर ले जाने की भी रस्म होती है। उठाकर? क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहता, समझे? मर गए। क्या हुआ? गुड़ से मक्खी की तरह उनसे चिपक रहे हैं और पूछना क्या हुआ? क्या जरूरत थी उनके कमर में हाथ डाल के नाचने की? ए भाई, मैं किसी का भी हाथ पकड़ूं या किसी की भी कमर, तुमको उससे क्या है? जरा डांस सिखाने के लिए हाथ क्या पकड़ लिया? तुम तो हकीकत आने लग गई। क्या खरीद लिया क्या मुझको? इस शहर की हर चीज तुम्हारी जागीर है क्या? जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता है तुम पे जान, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। आपकी बेबी है ना? क्या हुआ उसे? अरे कल मोहल्ले में बहुत नाचरेली थी वो, रवि नाम के छोकरे के साथ बहुत दोस्ती है, बहुत घूमती रहती है, उसको जरा कंट्रोल में रखो, नहीं तो एक दिन सिग्नल तोड़ के निकल जाएगी और तुम लाल झंडी हिलाते रह जाओगे। शट अप! मेरे बेटे का हाथ जैसे मिट्टी का कोई खिलौना हो। एक माँ का श्राप है उस बाप जी को। आज मैं जैसे अपने बेटे की जान की भीख मांग रही हूँ उस सबसे, उससे भी अपनी बेटी की जान की भीख मांगनी पड़ेगी। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी माँ जी। जी खुश हो गया? क्या हासिल हुआ ये सब करके? क्या साबित करना चाहती हो? कि मैं आप ही की बेटी हूँ। ना इंसाफी तो मैं भी नहीं होने दूंगी। गुनाह मैंने और रवि दोनों ने किया था, सजा मुझे भी मिलनी चाहिए थी ना। इस बार तो आपने मुझे बचा लिया, मगर याद रखिएगा आज के बाद जो रवि पर बीतेगी वही मुझ पर गुजरेगी। राशन कार्ड का ट्रांसफर हो रहा है और क्या हो रहा है? ये किसके हुक्म से हो रहा है? मेरे हुक्म से हो रहा है। बिना नोटिस दिए आप ये मकान खाली नहीं करवा सकते। अरे डेट से क्या हो, सामान बाहर निकालो। ए बुड्ढे, काय को गला फाड़ रहा है? बोला ना शाम तक तेरा घर खाली हो जाएगा। तो ये सब तुम करवा रहे थे? घर बसाने वाला घर उजाड़ सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखो, जिसने हमें यहाँ भेजा वो बहुत पावर वाला आदमी है। तुम यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ वरना वरना क्या क्या कर लोगे तुम? क्या करेगा तुम्हारा वो बाप जी? यही ना कि मुझे मजबूर कर देगा कि मैं इस आदमरे को लेकर सड़क पर आ जाऊं, अपनी बूढ़ी माँ के हाथ में कटोरा थमा दो। ये हाथ जो मेहनत करना जानते हैं, इन हाथों से लोगों के सामने अपने कपड़े उतार दो, तब जाकर ठंडी होगी तुम लोगों के बदले की आग। अरे ऐसा क्या किया है मेरे भाई ने? किसी का गला तो नहीं काटा, तुम्हारी तरह किसी को घर से बेघर तो नहीं किया। प्यार किया है उसने, तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? तुमने तो सिर्फ नफरत देखी है। ओ भाई, ये नरसिंह भाई को इतना सुनने की आदत नहीं है क्या? खोपड़ी फिर जाएगी, तलवार देखा है ना, टुकड़े टुकड़े कर डालेगा वो। हाँ जानती हूँ, जानती हूँ, इसकी ताकत आंधी हो गई है। और जब ताकत आंधी हो जाती है तब वो ताकत नहीं वहशत बन जाती है। नमक हराम, तू मुझसे बगावत करेगा तो फिर आज तेरी चमड़ी उधेड़ कर तेरे खून से मुझे अपना नमक निकालना ही पड़ेगा। हराम खोर, नमक हर। जो नरसिम्हा ये सब करने से इनकार करेगा मैं उसे हमेशा के लिए मिटा दूंगा। बस बाप जी, आपके नमक की गुलामी खत्म। आज से जंग शुरू होती है, और ये जंग सिर्फ इसलिए नहीं कि एक परिवार इस शहर में रहता है या नहीं। ये जंग फैसला करेगी कि ये शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। ये जंग फैसला करेगी कि इस शहर के नौजवान आप जैसे बाप जी के हाथों की कठपुतली है या इस शहर का मुकद्दर। समझते क्या हो? इस तरह बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ठोकर मार के चले जाने से तुम्हारा मतलब क्या है? रवि, you owe me an explanation, if not an apology. I owe you nothing, all right? Now get lost. मीनू, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ, और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। इसको सिर्फ चढ़ने का मौका देकर मैंने गलती की है। मेरी रियायत का तूने नाजायज फायदा उठाया है, मगर अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। बोले सगाई से पहले ये लड़की इस कमरे के बाहर कदम नहीं रखेगी और बाहर से सिर्फ उतनी हवा आएगी जितनी सांस लेने के लिए जरूरी है, इसके सिवा कुछ नहीं, कोई भी नहीं। नारायणपुर के सरकारी ठेकों की नीलामी शुरू की जाती है। ठेका अनाज की 130 सरकारी दुकानों का, जिसका दाम कम से कम 5 लाख रुपया मुकर्रर किया गया है। आम और खास से दरखास्त है कि बढ़ बढ़ कर बोली लगाए। छब्बीस लाख 1, 26 लाख 2, 27 लाख। लो आज ये आ गए अमर। अरे तुम कौन है भाई? ओ मुंशी जी, बाप जी से पूछ लो मैं कौन हूँ, अच्छी तरह पहचानते हैं मुझे। क्या बाप जी पहचाना? खूब पहचानता हूँ तुझे। पिट्ठा भीमा, लो सलामखोर को जिंदा न जाने पाए यहाँ से। डरो मत बाप जी, नरसिम्हा किसी बेबस और मजबूर पर हाथ नहीं उठाता। आपके हर सवाल का जवाब नरसिम्हा था, अब नरसिम्हा का जवाब कहां से लाओगे? देखो, गौर से देखो इसकी आंखों में। आज तक जिस खौफ से ये बाप जी हुकूमत करता आया है, आज वही खौफ इसकी आंखों में है। देखो, गौर से देखो, यही इस देश के हर बाप जी का असली रूप है। क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसा शहर विरासत में देना चाहते हैं जो गुंडे, बदमाश और खूनी चला रहे हो? बाप जी, कल तक यही जनता आपके सामने से झुककर उल्टे कदम लौटती थी, आज इसी जनता ने आपकी तरफ पीठ कर दी। ये सब क्या है? लीजिए इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने कबूल कर लिया है कि उस रात बाप जी के कहने पर ही इन लोगों ने मेरे भाई को जान से मार डालने की कोशिश की थी, और इसीलिए अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में बाप जी के नाम अब भी वारंट जारी कीजिए इसी वक्त। हेलो, क्यों जज घर पर बैठा बैठा क्या कर रहा है? यहाँ मेरी गिरफ्तारी का वारंट आया है, मुझे इसी वक्त एंटीसिपेटरी बेल चाहिए। अरे बाप जी, आज तो सरकारी छुट्टी है, कल देखा जाएगा। आज तो आप जेल की हवा खा ही लो। पकड़ खींच के पकड़, ए पकड़, ए पकड़, पकड़ पकड़ खींच के पकड़, तेतना तन्हैया पकड़ा गया है चोर भागे ना भैया। पकड़ खींच के पकड़, तेतना तन्हैया पकड़ा गया है चोर भागे ना भैया। रवि, जो इल्जाम किसी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं, वो इल्जाम सिर्फ सबूत के साथ ही लगाने चाहिए, और मेरे पास कोई सबूत नहीं अपने बाबूजी को तबाह करने का। कोई सबूत नहीं है रवि, तुमने और बाबूजी ने अपनी दुश्मनी की प्यास बुझाने के लिए मेरी जिंदगी को जलाकर राख कर डाला। बाबजी के हर जुर्म का सबूत खुद बाबजी तो है ही ना। तो फिर सबूत भी हवेली में है, हर सबूत मांगने वाला भी। बस सोचना ही है कि उन दोनों को मिलाया कैसे जाए। तूने मेरे घर में आग लगाई है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे मार सकते हैं बाबजी, पूरे शहर को नहीं मार सकते। बाबजी मार सकता है, और किसी को सुनवाना है तो उसको भी सुनवा दे। सारे शहर में दंगा फसाद करवा दूंगा, फिर से बजरंगपुरा और मोमनपुरा के लोगों को आपस में लड़वा दूंगा। वो दंगा आपने करवाया था? हाँ, मैंने करवाया था, अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए। हत्यारे, खूनी, मैं तुझे मार दूंगा तुझे, हत्यारे मार दूंगा। तू बाप जी को मारेगा? ले जाओ इसे और तय खाने में चुनवा दो। कहाँ है वो तुम्हारा नेता, तुम्हारा रहबर, तुम्हारा हौसला? वो नरसिम्हा, बुलाओ उसे इनकी जाने बचाने। कहाँ है वो? मैं बुलाऊं? वो जहाँ है वहां से तू तो क्या, अगर मैं भी चाहूं तो नहीं बुला सकता। मैंने तुम्हारे नरसिम्हा को खत्म कर दिया है। रवि मीनू, उनको दीवार के पीछे छुपा दिया गया है। नीचे आ जाइए बाबूजी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बाबूजी, आप नीचे आइए, नीचे आइए बाबूजी। नहीं, कभी नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता, ना आगे से ना पीछे से, ना दाएं से ना बाएं से, ना आदमी ना जानवर, ना अस्त्र ना शस्त्र, मुझे कोई नहीं मार सकता। चुपचाप तू क्यों खड़ी है, ये फैसले की घड़ी है, चुपचाप तू क्यों खड़ी है, ये फैसले की घड़ी है। आ दुनिया वालों से कह दे वो चाहे माने ना माने, सच है बड़ी है, ये फैसले की घड़ी है, ये फैसले